हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पोस्ट पर जब भी एग्जाम होता है तो वहां कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पर 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 25 क्वेश्चंस, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि लेवल कैसा रहता होगा कंप्यूटर, तो लेवल यहाँ पर मॉडरेट टू टफ रहता है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट भी मिलेंगे और कुछ अच्छे लेवल के भी मिलेंगे। तो अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 25 में से 25 स्कोर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग ये जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर के, उनका लेवल कैसा रहा। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप किसी एक बैच की तलाश कर रहे हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्कोर 25 आउट ऑफ 25 करने के लिए कोई एक परफेक्ट बैच हमें मिल जाए, तो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको IBPS, RRB, PO क्लर्क एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों में ही मदद करने वाला है। बैच का नाम है ड्रीम बैच 2.0। कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर, जहां पर बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल तक आपको क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा। क्या क्या है इस कोर्स में एक बार देख लेते हैं डिटेल में। 55+ आवर्स की वीडियोस, PDF, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे एनरोल कर सकते हैं इस पार्टिकुलर बैच से? क्या इस बैच को एनरोल करने के बाद किसी बुक से भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कोई बुक, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बैच अपने में परफेक्ट बैच है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे एनरोल करें? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा IBPS RRB PO क्लर्क 2022 का, जो स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2022 को, और इस समय तक पूरा बैच कंप्लीट हो चुका है। जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको लाइव मिलेंगी, प्लस जितने भी डाउट सेशन है वो आपको लाइव यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है इस बैच के रिगार्डिंग, इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में बात करते हैं कि क्वेश्चंस कौन से पूछे गए। ये रहे वो क्वेश्चंस। करिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अ डैश इज द हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू रिसीव, कॉमा एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। कह रहा है, नेटवर्क में ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस होती है या हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका काम है पैकेट्स को रिसीव करना और फॉरवर्ड करना? USB, राउटर, मॉडम, रिपीटर या ऑल ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं नेटवर्किंग में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है उस डेटा को पैकेट्स बोला जाता है, और पैकेट्स को सेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, राउटर इज द करेक्ट वन। देखिए, बेसिकली राउटर का नाम ही आप लोग देख रहे होंगे, रूट। तो एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस जो कि रूट स्पेसिफाई करे डेटा पैकेट्स का, इसी को हम लोग बोलते हैं राउटर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द IP एड्रेस। नेटवर्किंग से अगेन सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि IP एड्रेस को असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। IP एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसे लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिसे नेटवर्किंग में कंप्यूटर का एड्रेस भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। दो तरीके के होते हैं, IPv4 और IPv6। IP एड्रेस को असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ISO, DARPA, IANA, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज
IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये कैसी अथॉरिटी है जो आईपी एड्रेस को गवर्न करती है और आईपी एड्रेस को असाइन करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी, यानी नेटवर्किंग के बाद में मेमोरी से क्वेश्चन बना, तो मेमोरी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। कैश मेमोरी का डिसएडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी हम लोग जानते हैं कि ये सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये फास्ट तो है लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कम है, वो लिमिटेड है। तो इसका मतलब द करेक्ट वन इज कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, है ना। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन गाइस, LRU स्टैंड्स फॉर, अगेन कैश मेमोरी का ही पार्ट है LRU, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कैश मेमोरी में LRU की फुल फॉर्म तो हम जान लेंगे, पहले इसके बारे में भी जान लें। तो चलिए पहले फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। द करेक्ट वन इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैश मेमोरी का जो साइज है वो लिमिटेड है। इसका मतलब कि कैश मेमोरी जब फुल हो जाती होगी तो उसको खाली करना पड़ता होगा ताकि उसमें एक नया डेटा आ पाए, नई इंफॉर्मेशन आ पाए। तो इसीलिए इस एक मैकेनिज्म बनाई गई जिसको कहा गया लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो बहुत कम इस्तेमाल में लाई जा रही है कंप्यूटर के द्वारा, या बहुत कम सीपीयू को उसकी रिक्वायरमेंट है, उस डेटा को उठाकर रैम में रख दिया जाता है और कैश मेमोरी में उस डेटा को रखा जाता है जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं हम लोग, दिस कॉन्सेप्ट और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे देखो। विच इज द हाइएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी। देखो, नेटवर्किंग से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आईपी एड्रेस हो, मैक एड्रेस हो या टोपोलॉजी हो। तो नेटवर्किंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना, मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना। बताइए क्या रहा है, सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, हाईली हाईएस्ट रिलायबल है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग, ट्री या मैश? एंड द करेक्ट आंसर इज मैश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में कभी भी अगर बेस्ट टोपोलॉजी पूछी जाए या सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी होती है, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आंसर क्या होगा? मैश टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर को कैसे अरेंज किया जाए, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जहां बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ये आपकी टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 540 इनटू बाइनरी नंबर। इसका मतलब नंबर सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत आसान है अगर आपको आता है तो। ऑक्टल नंबर का मतलब होता है जिसकी बेस वैल्यू 8 हो और जिसकी रेंज 0 to 7 हो। अब यहां पर आपको करना क्या होता है, 540, 5 को अलग लिखिए, 4 को अलग लिखिए और 0 को अलग लिखिए, और इन तीनों का बाइनरी नंबर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हैव अ लुक। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 लिखा। अब इसके बाद हमने लिखा 1 2 4। ये 1 2 4 कैसे आया? ये 1 2 4 8 16, 32 64, ये पूरी सीरीज आपकी चलती है। इसे हम लोग बोलते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा, 1 2 4 लिखा। और हमने 4 तक ही क्यों लिखा, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ऑक्टल नंबर कितना होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, 7 तक। तो 4 + 2 + 1 क्या होता है, 7। इसलिए हम सिर्फ 3 नंबर्स ही लिखते हैं, 1 2 4। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसको प्लस करें कि 5 आ जाए। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, 4 और 1 को प्लस करने पर 5 मिलेगा। इसका मतलब 4 और 1 की पोजीशन पर 1 1 रहेगा,
और टू की पोजीशन पर जीरो। समझ में आया तो क्या आ गया, 101। आगे देखो, फोर यहां पर लिख दिया, 1 2 4 दोबारा लिखा। अब क्वेश्चन उठता है कि फोर किसको प्लस करने पर आएगा। आप कहेंगे सर हम तो मैथ्स में एक्सपर्ट हैं और जानते हैं कि फोर की पोजीशन पर ही हम 1 लिखेंगे और बाकी पोजीशन पर 0 लिखेंगे। बिल्कुल सही, तो 100 इज द करेक्ट वन। फिर 0 कैसे आएगा, तो सभी प्लेस पर 0 लिख देंगे तो आंसर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब कि 540 को जो हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, अब उसको एक साथ लिख दीजिए, तो 101, 100 और 000, दैट इज योर आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, टू एंड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इनफैक्ट एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये डैम श्योर है। बताइए, स्लाइड शो को एंड करने के लिए पावर पॉइंट में किसका यूज किया जाता है, स्केप, एंड, डिलीट, इंसर्ट या नन ऑफ दीज। तो पावर पॉइंट स्लाइड को एंड करने के लिए स्केप का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्केप। नेक्स्ट, मैक एड्रेस ऑपरेट इन विच लेयर, यानी ओएसआई मॉडल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ओएसआई मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम जानते हैं कि ओएसआई मॉडल में जो मैक एड्रेस है, इसको गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर पर आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर होगा। मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है, जो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर यानी OUI और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर में डिवाइडेड होता है। क्लियर है, मैक एड्रेस को किस नाम से जानते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के नाम से जानते हैं। मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है, ये एक फिजिकल एड्रेस होता है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, जो कि NIC कार्ड पर लिखा होता है, इसीलिए इसको बर्नड इन एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय, कई बार हम लोग पीसी बोल देते हैं, पीसी का मतलब क्या है प्रियंका चोपड़ा, बिल्कुल नहीं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है वो कब, किसके द्वारा स्टार्ट की गई, IBM, एप्पल, कॉम्पैक, HCL या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा एप्पल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो पीसी जो शब्द था वो सबसे पहले किसने लॉन्च किया, एप्पल कंपनी के द्वारा, मिस्टर स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट, बाइनरी एडिशन ऑफ 1 + 1 गिव्स द रिजल्ट, कह रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम ऐड करते हैं 1 + 1 को, तो आंसर क्या आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 1 2 00 या 1। इसके लिए आपको एडिशन मालूम होना चाहिए कि 1 + 1 करने पर रिजल्ट 0 आता है और कैरी 1 जाता है। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर यहां पर होगा 0 इज द राइट वन। अब आप देख सकते हैं 0 + 0 को ऐड करने पर 0 कैरी 0, 0 + 1 को ऐड करने पर 1 कैरी 0, 1 + 0 को ऐड करने पर 1 कैरी 0 और 1 + 1 को ऐड करने पर 0 कैरी 1। तो इसका मतलब यही तो पूछा गया था कि 1 + 1 गिव्स द रिजल्ट, 0 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, येंडेक्स सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री, सर्च इंजन से भी क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है कि जो येंडेक्स सर्च इंजन है ये किस कंट्री का सर्च इंजन है, चाइना, रशिया, USA, कनाडा या इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। येंडेक्स जो सर्च इंजन है वो रशिया का बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है। और इनफैक्ट एक क्वेश्चन और भी है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, वो क्या है, रशिया का फेमस सर्च इंजन कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज येंडेक्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसको याद रखिएगा। वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय अ डैश, कह रहा है जो वेब सर्च इंजन है, जो सर्च इंजन होता है जैसे गूगल, याहू, ये सर्च इंजन है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये कहाँ पर स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, वेब क्रॉलर, वेब इंडेक्सर, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब राउटर या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज वेब क्रॉलर।
तो इंफॉर्मेशन जो सेव की जाती है सर्च इंजन के द्वारा, वो कहां पर सेव की जाती है, स्टोर की जाती है? वेब क्रॉलर में। नेक्स्ट, द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा। यानी ये क्वेश्चन आपका डेटाबेस से आ रहा है और पूछा जा रहा है कि डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। क्या बिट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके बाद आती है बाइट। क्या बाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके बाद आती है फील्ड। क्या फील्ड है? बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज फील्ड। फील्ड के बाद आती है रिकॉर्ड। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा, डेटाबेस, डीबीएमएस, है ना, ये पूरी हायरार्की होती है। तो यहां पर आंसर आपका क्या बन गया? फील्ड बन गया। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, ये सब क्या होते हैं? फील्ड के नाम होते हैं। नेक्स्ट, विच रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर या लैपटॉप? बताइए। यानी मेमोरी, देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछा गया, अब रैम से भी पूछा जा रहा है। कह रहा है ऐसी कौन सी रैम है, ऐसी कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप में लगाई जाती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, कैश रैम, वन एंड टू बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वो रैम है जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में देखने को मिलती है, इसको याद रखिएगा। जबकि स्टैटिक रैम एक ऐसी रैम है जिसकी मदद से हम लोग कैश मेमोरी को बनाते हैं। तो विच रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप? द करेक्ट वन इज डायनेमिक रैम। इट इज एन इंक्रिप्शन सिस्टम यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग इनक्रिप्टेड ईमेल एंड इनक्रिप्टिंग द सेंसिटिव फाइल। बताइए, क्या रहे ऐसा कौन सा सिक्योर्ड सिस्टम है या इनक्रिप्टेड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बोथ सेंडिंग इनक्रिप्टेड ईमेल, चाहे आपको मेल सेंड करना हो या किसी भी फाइल को आपको क्या करना हो, इनक्रिप्ट करना हो, इसके लिए कौन से इनक्रिप्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? बिटकॉइन प्राइवेसी, बिट डिफेंडर प्राइवेसी, सिंपल मेल प्राइवेसी, प्रेटी गुड प्राइवेसी, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज पीजीपी। प्रेटी गुड प्राइवेसी का यूज होता है। हम जितने भी मेल सेंड करते हैं वो बिल्कुल सिक्योर होते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पर प्रेटी गुड प्राइवेसी टाइप की सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? कह रहा है किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है जिसमें क्लाइंट है और सर्वर है, यहां पर किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे? एमएस डॉस, विंडोज 7, विंडोज 98, विंडोज 2000, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज विंडोज 2000 का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के एग्जाम में भी। बताइए, तो फायरवॉल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फायर अटैक के लिए, फायर वायरस अटैक के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा ड्रिवन अटैक्स के लिए, या वायरस के लिए? बिल्कुल सही, फायरवॉल जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए। यानी कोई भी सर्वर तक बिना परमिशन के ना पहुंच पाए या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, इसके लिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। बताइए, कह रहा है ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं एक से ज्यादा कॉल एक ही लाइन पर? जैसे आप जानते हैं कि आपको एक समय पर कई लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप पिक तो एक ही करेंगे एक समय पर, ऐसा होता है या नहीं होता? बाकी अगर कॉल करेंगे तो कुछ वेटिंग में जाएंगे और कुछ को नेटवर्क बिजी मिलेगा। तो इसका मतलब इनपुट तो बहुत आ सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही जनरेट होगा, पर इसे क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज मल्टीप्लेक्सिंग। वेयर देयर इज एन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग।
मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इनपुट एंड पर मल्टीप्लेक्सर का और आउटपुट एंड पर डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की टू क्लोज अ टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर में टैब को क्लोज करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल टी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डब्ल्यू या फिर कंट्रोल F4। हम जानते हैं कि इंटरनेट पर कई सारे टैब हम ओपन कर सकते हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल टी है, जबकि टैब को बंद करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल W है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल W इज यूज टू क्लोज अ टैब इन ब्राउजर। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड, इंटरनेट से ये क्वेश्चन आता हुआ और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई, वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी और इसका IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.11, 802.4 ये टोकन बस का है, 802.5 टोकन रिंग का होता है, 802.3 ईथरनेट का होता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। और वाईफाई का होता है क्या? 802.11। अब 802.11 के कई सारे अलग अलग डिवीजन भी हैं, जैसे 802.11a, b, g, n, ac, ax, ये अलग अलग इसके वर्जन्स भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट? कह रहा है एमएस वर्ड 2019 के सेंस में अगर हम देखें तो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? अब तो 2021 आ चुका है, तो अब एग्जाम में 2021 से क्वेश्चन बन सकते हैं, बताइए। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एलेगेरियन, कैलिब्री या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज कैलिब्री। तो 2019 का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो क्या है? कैलिब्री है। और फॉन्ट साइज कितना था? तो आंसर है 11, बाय डिफॉल्ट 11 फॉन्ट साइज। और फॉन्ट कैसा? दैट इज कैलिब्री। नेक्स्ट, व्हाट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर मेंटेन इट्स टाइम एंड डेट रेगुलरली? यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं हार्डवेयर के रिगार्डिंग। आपको बताना है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके थ्रू डेट और टाइम को मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम हमें नीचे दिखता है, और ये मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? प्रोसेसर, रोम, मदरबोर्ड, सीमोस या नन ऑफ दीस? तो बैटरी के थ्रू इसको मैनेज करते हैं, और ये बैटरी 24x7 काम करती है, इसे बोलते हैं सीमोस बैटरी। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है डेट और टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो याद रखिएगा, दैट इज सीमोस, और सीमोस की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इज, बताइएगा कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, पहले इसकी शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट टैब या नन ऑफ दीज? तो शॉर्टकट की भी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आंसर बनेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर, जैसे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो किसी को हम पावर में कैसे लेकर जाएं, या एम सी स्क्वायर में देखिए सी स्क्वायर है, तो इसको पावर में कैसे लिख पाए? तो आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। टू को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो टू ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? बेस वैल्यू H2, C12, S22, O11। तो ये जो बेस में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल इक्वल्स टू, कंट्रोल इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 24th क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो क्या था? बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर्स इन अ सेल, यानी एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया, एमएस पावर पॉइंट से भी बना, एमएस वर्ड से भी बना। तो
तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर इन अ सेल, एमएस एक्सेल में जो सेल की पोजीशन होती है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होती है, नंबर्स किस तरफ अलाइन होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई या नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं नंबर्स जब भी एक्सेल शीट में आप लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होगा, सो द करेक्ट वन इज राइट अलाइनमेंट। और जब भी आप कोई अल्फाबेट लिखेंगे, कोई नाम लिखेंगे, तो वो कैसे होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन होगा। जैसे आप देख सकते हैं आपने अगर टेक्स्ट लिखा सेल्स एक्सपेंसेस तो ये लेफ्ट साइड हो गया, और आपने कोई भी नंबर्स लिखे डेट लिखी तो वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में अलाइन होगी। नेक्स्ट, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट, यानी प्रिंटर से क्वेश्चन बन रहा है और प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंटआउट नहीं कर सकता, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डेजी व्हील प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। थर्मल प्रिंटर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो जिसके पास एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है, नेम दैट टाइप ऑफ अ प्रिंटर विच कैरीज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर। तो आंसर होगा थर्मल प्रिंटर, क्योंकि ये थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज करता है, सो आंसर इज थर्मल प्रिंटर। क्लियर है? तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल की बात करें तो ऐसा ही लेवल ज्यादातर देखने को मिलता है। और टॉपिक्स की बात करें तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, टोपोलॉजीज, नेटवर्किंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, ओएसआई मॉडल, टीसीपीआईपी मॉडल से क्वेश्चन, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेमोरी टॉपिक, वायरस, मैलवेयर, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंटरनेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपको, अब जैसे ब्राउजर है, सर्च इंजन है ना, तो अलग अलग टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार अगर अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल आप बैक से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। अगर आपको आता है, लग रहा है कि हम कर पाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस आपने समझ लिए, तो वो कितना भी टफ क्यों ना दे, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको एलिमिनेशन आता होगा और आपको आंसर पता होगा। तो या तो आप एलिमिनेट करके आंसर कर लेंगे तब भी सही होगा, या तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ये कर लेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर में अगर 25 में 24 नहीं, 25 में 25 मार्क्स अगर मिलते हैं तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं होगा, और ये कर पाना बहुत ही आसान है। बैच से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर जाइएगा, और वहां से आप आईबीपीएस आरआरबी वाला बैच पिक कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से 55 वीडियोस को देखिएगा, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करिएगा, बस इतना कर लीजिए, ये सफिशेंट है, बल्कि मैं कहूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है? बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को निकाला गया है कि एक बार लेवल देखें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेवल कैसा आता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो दो तीन क्वेश्चन हर बार रिपीट भी हो जाते हैं, या तो क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग। तो बहुत पॉजिटिव है, पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी मैं और भी मॉक यहाँ पर लेकर आऊंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेंगे तो बेटर होगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।